Assalamu alaikum, class 8 students. You know, we had to start the first unit syllabus and we work on the chemistry section from our first unit syllabus. And I had explained the chapter number 3 from your chemistry section. Chapter name is Elements in Man and Environment. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी बायोलॉजी से, सॉरी केमिस्ट्री सेक्शन से, और इसके कुछ टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी. तो आज रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं लेक्चर के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपको मैंने बताया था कि जो हम टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हमारे पास एलिमेंट्स, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और लास्ट वन टॉपिक है इसका रोल ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी. लास्ट लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट्स और काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी. आज हम देखते हैं कि मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी. जी, आज मैं आपको इस चैप्टर से पढ़ाऊंगी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट का टॉपिक. हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि हमने एलिमेंट्स को सिंबल्स क्यों दिए, हमें क्यों जरूरत पेश आई कि 118 एलिमेंट्स जो के अब तक डिस्कवर हो चुके हैं हम उनको सिंबल्स दें. और इसके अलावा इस टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स, किस एलिमेंट को कौन सा सिंबल अलॉट किया गया है. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एन एलिमेंट सिंबल इज वन और टू लेटर्स एब्रीविएशन फॉर अ केमिकल एलिमेंट नेम. किसी भी एलिमेंट को जो है हमने एक या दो अल्फाबेटिकल लेटर्स जो हैं वो अलॉट किए हैं उस एलिमेंट के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए. जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये टेबल आपको दिखा रहा है कि कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स भी जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्लैटिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड मर्करी. ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं. इसमें मेटल और नॉन मेटल्स भी जो हैं वो मिक्स हैं. इसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है. व्हेन अ सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू लेटर्स द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटलाइज व्हाइल द सेकंड लेटर इज लोअर केस एलिमेंट सिंबल्स ऑल्सो कैन रेफर टू अल्केमी सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स और अदर सिंबल्स यूज टू डिस्क्राइब आइसोटोप्स. यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हमने एलिमेंट्स को जो है वो दो लेटर्स या एक ही लेटर से जो है वो उनको हमने शो किया है या हमने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो प्रेजेंट किया है. यानी एलिमेंट्स को सिंबल देते वक्त हमने दो बातों का ध्यान रखा है कि अगर एलिमेंट को हम सिंबल अलॉट कर रहे हैं तो अगर वो सिंगल लेटर है तो पहला सिंगल लेटर है तो लेटर कैपिटल होगा, और अगर एलिमेंट का सिंबल डबल लेटर पर है तो पहला लेटर लाजमी कैपिटल होगा और उसके बाद आने वाला लेटर स्मॉल अल्फाबेट से लिया जाएगा. जैसे कि आप टेबल में भी देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, उसमें सल्फर का आप देखें एस कैपिटल है, ठीक है. इसके अलावा आप प्लैटिनियम का देखें, ये पी जो है ये यहाँ पर इसका जो है वो पी कैपिटल है. तो ये एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं. तो एलिमेंट्स को सिंबल देते वक्त हमने कोशिश की है कि एक ही लेटर से डिनोट करें, लेकिन अगर ये जो है हमारे पास नहीं है तो हमने दो लेटर से उनको प्रेजेंट किया है. पहला लेटर जो है वो कैपिटल है और उसके बाद आने वाला लेटर जो है वो स्मॉल है. मोस्ट ऑफ द सिंबल्स आर सिमिलर टू द नेम ऑफ द एलिमेंट बट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट हैव लैटिन रूट्स. यहाँ पे क्या बताएंगे, एक बात ये बहुत समझने वाली है कि कह रहे हैं कि ज्यादातर एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो उनके नेम से ही लिए गए हैं. जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच से स्टार्ट होता है तो उसका सिंबल भी जो है वो कैपिटल एच है. सल्फर, सल्फर एस से स्टार्ट होता है तो उसका सिंबल एस है, कैपिटल एस है, ठीक है. इसी तरह से हमारे पास कार्बन, कार्बन सी से स्टार्ट होता है तो उसका एलिमेंट भी जो है वो सॉरी उसका सिंबल भी जो है वो कैपिटल
सी है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिन के सिंबल्स उनके पहले लेटर्स को डिनोट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का पहला वर्ड एस है लेकिन इसका सिंबल एन ए होता है। क्यों? क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज में सोडियम को नेट्रियम कहते हैं और नेट्रियम से इसका सिंबल ड्राइव किया गया है एन ए। अब ये जरूरत क्यों पेश आई? इसका मतलब इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि एलिमेंट जो है वो एक ही लैंग्वेज से नहीं लिए गए एलिमेंट्स के सिंबल, बल्कि उनको लेने के लिए दूसरी लैंग्वेजेस भी हमने क्या की हैं, इस्तेमाल की हैं। जी, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई? ताकि हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से क्या कर सकें, अलग कर सकें। ठीक है, जैसे अगर सोडियम का सिंबल भी हम एस रख लेते तो सल्फर का सिंबल भी एस है, तो आपको कैसे पता लगता कि ये एस सिंबल जो है वो सल्फर को डिनोट कर रहा है या सोडियम को? तो इसलिए हमने दूसरी लैंग्वेजेस को भी जो है वो इसके अंदर शामिल किया, जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि लैटिन, जैसे कि जर्मन। ये लैंग्वेजेस हैं जिनके जरिए से हमने एलिमेंट्स को क्या दिए हैं बच्चों, सिंबल्स दिए हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे दिखाया जा रहा है कि गोल्ड। जी, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं गोल्ड। अब आप सब जानते हैं कि गोल्ड हम सोने को कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा नायाब और महंगा हो गया है। नायाब इसलिए हो गया कि महंगा हो गया है। तो ये गोल्ड, गोल्ड का जो सिंबल है वो AU है। AU क्यों है, G क्यों नहीं है? AU इसलिए इसका सिंबल है कि ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन लैंग्वेज में हम गोल्ड को ऑरम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि एलिमेंट को सिंबल हमने क्यों दिए। हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट को हमने सिंबल्स दिए हैं उनकी क्लियरिफिकेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्योंकि हम जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, इसके लिए उनको, उस इक्वेशन को लिखने के लिए हमें एलिमेंट्स के सिंबल रिक्वायर्ड होते हैं। एलिमेंट्स के सिंबल देने के लिए हमने दो बातों का ख्याल रखा है कि किसी भी एक एलिमेंट का सिंबल दूसरे एलिमेंट के सिमिलर ना हो। एलिमेंट को सिंबल देते हुए हमने कोशिश की है कि हम पहला सिंगल लेटर दें और वो सिंगल लेटर कैपिटल हो, और अगर कहीं हमें डबल लेटर देना पड़ा है तो हमने पहले लेटर को कैपिटल रखा है और बाद वाले लेटर को स्मॉल। जैसे कि आप यहाँ पर देखें AU, तो ए देखें इसका कैपिटल है और यू क्या है, स्मॉल। एलिमेंट्स को सिंबल्स देते हुए हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया है, जैसे कि इंग्लिश, लैटिन, जर्मन। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट के बाद हमारे पास बताया जा रहा है कि एज वी नो दैट ऑल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ स्पेशल चार्ट कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। जी, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक पीरियोडिक टेबल है। ये एक खास किस्म का चार्ट है जहाँ पर जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं यहाँ पर ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी मैंने कि जैसे अभी आपको बताया कि 118 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, तो बच्चों ये 118 के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर शोन बाय देयर सिंबल्स। इस पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स अपने सिंबल्स के साथ शो किए जा रहे हैं, जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में हमें ये बताया जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है। थोड़ा सा मैं आपको उसको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि देयर आर टू फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दो तरह से होती हैं, नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है। दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स का क्या देखा जाता है, कलर, डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी कंडक्टिविटी यानी कि वो अपने अंदर से हीट और करंट पास करता है या नहीं, ठीक है, ये कितने टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, वो कितना हैवी कितना लाइट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम एलिमेंट्स की इन प्रॉपर्टीज को जज करते हैं। While some of these properties are due to chiefly to the electronic structure of the element, कह रहे हैं कि element की physical properties जो है वो depend करती हैं element के atom के electronic structure पर, यानी इस बात से ये मुराद है कि element की जो properties हैं, जो physical properties हैं, उसमें atom का electronic structure कैसे form हुआ है। अगर स्ट्रक्चर किसी तरह और तरह से फॉर्म होगा तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हमें बताया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट की वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंजीनियरिंग मटीरियल इंडिकेट्स द एलिमेंट्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दैट मटेरियल। बताया जा रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट की कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर वो क्या चीज फॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हम देखते हैं एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी में फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, रिएक्टिविटी एंड हीट ऑफ कंबशन। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। किसकी एग्जांपल्स हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल हैं। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टी अगर हम किसी एलिमेंट की जज कर रहे हैं तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में काम कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि एलिमेंट फ्लेम करते हैं तो क्या होता है, उसको हम जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, ये सब अगर हम जज कर रहे हैं या हम उस पर वर्क कर रहे हैं तो हम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ये आपको सैंपल्स जो हैं वो पिक्चर के साथ भी शो की जा रही हैं। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट। रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स में हम एलिमेंट्स के रिएक्शंस देखेंगे कि एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो क्या फॉर्म करता है। ये टॉपिक जो है एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। इसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिलाते हैं तो ये एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, हमने इन दोनों को फिक्स रेशियो से मिलाया तो हमारे पास क्या आ गया, वाटर। तो ये वाटर क्या है, ये फॉर्म हुआ है बाय द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे रिएक्शंस आपको बताएंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ रही है हेडिंग रिएक्शंस ऑफ मेटल, यानी जब मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं या मेटल आपस में किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। पहले इसको पढ़ते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। बताया जा रहा है कि मेटल जो है जब भी वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, मेटलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, सोडियम एक मेटल है, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया यानी वाटर के साथ कंबाइन हुआ तो उसने मेटलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज की। अब बच्चों समझ में आ गई होगी आपको ये बात कि क्या बताया जा रहा था कि मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटलिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम ने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म किया उसने, मेटल
ऑक्साइड, फिर हमने इस और हाइड्रोजन गैस रिलीज की। फिर जब हमने इस मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया तो उसने क्या फॉर्म कर दिया, मेटलिक हाइड्रोऑक्साइड। जैसे आपको बताया जा रहा है कि मेटल ऑक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो वो क्या फॉर्म कर देगा, मेटल हाइड्रोऑक्साइड। जैसे ये सोडियम हाइड्रोऑक्साइड है, क्योंकि जब इसने पानी के साथ रिएक्शन किया तो पहले मेटलिक ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड फॉर्म किया, और फिर जब आपने उसको पानी में डाल दिया तो क्या फॉर्म कर दिया उसने, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड। जी हाँ, जिसे हम आम तौर पर क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कुछ रिएक्शंस आपको और दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर देखें, आपको दिखाया जा रहा है यही चीज कि सोडियम को आपने वाटर के साथ मिलाया, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। ऊपर आपको एक मॉडल इक्वेशन दी गई है कि मेटल प्लस वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। एक और हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखें एक एलिमेंट हमें दिखाया जा रहा है, जैसे कि पोटेशियम, के पोटेशियम है, हमने इसको पानी के साथ मिलाया, उसने क्या फॉर्म किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज की और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। तो ये तो बच्चों था एलिमेंट के रिएक्शन, और उसमें मैंने आपको बताया रिएक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। जी, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल के बारे में। इससे पहले मैंने आपको रिएक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल के बारे में। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल में बताया जा रहा है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। द नॉन मेटल ऑक्साइड आर कोवेलेंट इन नेचर व्हिच आर फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिकली आम तौर पर जब पानी के साथ रिएक्शन करें या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, उसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और उसने क्या फॉर्म कर दिया, मेटलिक ऑक्साइड। ये मेटलिक ऑक्साइड को जब आप पानी में डालेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बच्चों आपके पास एसिडिक एसिड फॉर्म करेगा, यानी सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। जैसे मिसाल में देखें, आपको दिखाया जा रहा है कार्बन, कार्बन का आपने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, उसने फॉर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कह रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पर आपको कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड दिखाए जा रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तमाम के तमाम क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ साथ एसिडिक ऑक्साइड भी हैं। क्यों है एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या फॉर्म कर देगा, एसिड फॉर्म कर देगा। तो एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, वही बात समझाई गई आपको कि जब हम इस एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, एसिड्स फॉर्म करेगा। द एसिड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड, यानी ये हमारे पास लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो कि लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मेटलिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये ऑक्साइड्स क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड है। स्टूडेंट्स, ये थी आज की मेरी क्लास, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में समझाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको सबसे पहले बताया सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बाद मैंने आपको समझाया रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। इसके अलावा मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था, वो था प्रॉपर्टीज ऑफ
एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के भी फर्दर टू टॉपिक से, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आज इस टॉपिक के साथ मेरी आज की क्लास खत्म हो रही है। आपने ये तमाम पेजेस अपनी बुक से लाजमी रीड करने हैं। आप असाइनमेंट इश्यू करा चुके हैं, आपकी डेट के साथ, टॉपिक के साथ एक्सप्लेनेशन में पेजेस नंबर मेंशन है। आपने इनको अच्छे से रीड करना है ताकि मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा सा समझ में आ जाए, और अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।